अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक जिसमें हम यूज़ करेंगे फालसा और लाल शरबत। तो चलें झटपट अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जग ले लिया है हमने ब्लेंडर्स के अंदर, हम ये ब्लेंडर का जग हमने ले लिया, इसके अंदर हमने सारे फालसे डाल दिए हैं और इसी तरह इसको ब्लेंड करके पानी डाल के और इसको हम छान लेंगे। एकदम चिल्ड वाटर मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा देखिए, ये मैंने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छा देखिए, ये हमने फालसे का जूस निकाल लिया है। सिर्फ हमने इसके अंदर फालसे और पानी डाल के ब्लेंड किया था और बस ये इसका जूस निकाल लिया है। अब देखें, हम शुगर तो ऐड करेंगे ही ना, तो शुगर की जगह हम इसके अंदर ये लाल शरबत कोई सा भी आप ले लें, मैं रूह अफ़ज़ा ले रही हूँ, ये डालेंगे और फिर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। अच्छा देखें, इसके अंदर मैं रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। तकरीबन मैं 1/4 कप के करीब इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा देखिए, मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला है, सिर्फ फालसा है, पानी है और फिर रूह अफ़ज़ा। और ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी सा एक रिफ़्रेशिंग जूस हमारा बन गया है। अब हम इसको चाहें तो आप इसकी आइस लॉलीज़ भी बना सकते हैं और इसको फिर आप चिल करें, बर्फ़ डालें और इंजॉय करें। अच्छा देखिए, ये मैं इसकी आइस लॉलीज़ भी बना लूँगी। ये मैं कप्स में डाल रही हूँ इसको फ्रीज करने के लिए। बहुत अच्छी और एक बहुत यूनिक सी चीज़ है, बच्चे बहुत खुश होंगे, बच्चे क्या बड़े भी बहुत खुश होंगे। गर्मियाँ हैं और बच्चों को इस तरह की चीज़ें बनाकर दें अच्छा देखिए, ये हमारा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक भी बन गया है, फालसा प्लस रूह अफ़ज़ा या कोई सा भी लाल शरबत ले लें। और ये मैंने आइस लॉलीज़ भी बना ली हैं, मैं इनको ओवरनाइट फ्रीज कर दूंगी। अच्छा देखिए, ये हमारा मज़ेदार सा रूह अफ़ज़ा और फालसे का शरबत और ये हमारी लॉलीज़ भी जो हैं वो फ्रीज्ड हो चुकी हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार सी आइस लॉली देखें, बिल्कुल गोले घंटे की तरह लग रही है। आपको ज़रूरत इतनी ही नहीं है कि बाहर से आप बच्चों को गोले गंडे और दूसरी आइस लॉलीज़ खिलाएं, इसे घर पे बनाएं और इंजॉय करें। मज़ेदार सा शरबत है रूह अफ़ज़ा और फालसे का, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इस रेसिपी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।